आपने एग्जाम के लिए सब कुछ पढ़ लिया, आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो गया, बट फिर भी आपके अंदर डर है एग्जाम को लेकर, या फिर ऐसा फील हो रहा है कि सर हमें कंसेप्ट बिल्कुल याद नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, ऐसा लग रहा है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ही एडवाइस देने वाला हूँ यहाँ पे कि एक वर्ड आपने सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आपने नहीं सुना कोई बात नहीं, आप छोड़ दो। सिर्फ आपको क्या करना है कि 10 से 15 बार सेंटेंस को रिपीट करना है और 5-6 सेंटेंस आपको लिखने हैं कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा, मैंने अच्छे से पढ़ाई की है तो मेरा एग्जाम में अच्छी रैंक आएगी, मैं 2022 में जो एग्जाम होने है गेट का नेट का वहां पे मैं क्वालिफाई करूंगा एग्जाम को, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा, मेरे सपने पूरे होंगे क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई की है और मैंने इतने घंटे पढ़ाई की है। ये सेंटेंस आपको 5-6 सेंटेंस में जो आपके बारे में है, जो आपने अभी तक किया है, सिर्फ आपको उसको लिखना है और उसको 10-15 बार रिपीट करना है, और दिन में मीन्स जब भी आपको लगे फ्री हो आप, यू कैन रिपीट, यू कैन स्पीक। ठीक है, और आप मन मन में ना बोले, थोड़ा स्पीक लाउडली बोलेंगे तो शायद ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मुझे डरना नहीं है, मैं नहीं डरूंगा, मैं एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, मेरा होगा, क्यों नहीं होगा मेरा, पॉजिटिव एटीट्यूड। और जितना मैंने पढ़ा है बस उसी पे फोकस करो आप, जो आपने नहीं पढ़ा है वहां पे आपका माइंड ज्यादा जाता है तो वहां पे आपको रोकना है, जिसको मैंने निकाल दिया था उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, जो टॉपिक मैंने निकाल दिए थे उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। यही सबसे पॉजिटिव एनर्जी है, इससे आप पॉजिटिव रह सकते हो। जनरली हम जो टॉपिक हमने छोड़ दिए तो वहां पे हमारा माइंड ज्यादा जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं, आपको 100% पेपर नहीं करना होता है। यदि आपके कुछ टॉपिक्स रह भी गए, जितना आपने पढ़ लिया था आप उसको इम्प्लीमेंट करें और सिर्फ उसी के बारे में सोचें। फैक्ट है कि जब आप एग्जाम फ्री माइंड से हो देने जाते हो या एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाते हो कि मेरा होगा, मेरा नहीं होगा तो फिर किसका होगा, मैंने तो अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, पर मैंने पढ़ाई की तो मेरा एग्जाम होगा ना, सिंपल सी बात है। तो आप सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, जब आपने पढ़ाई की तो आपका एग्जाम क्यों नहीं होगा, सब याद आएगा आपको, सब याद आएगा। अभी सिर्फ आप डरे हुए हो इसलिए आपको याद नहीं आ रहा है, आप डर इसलिए आपको याद नहीं आ रहा है। आप रिलैक्स रहो, थोड़ा सा ब्रेक आप ले सकते हो। मीन्स कई बार हम पढ़ते पढ़ते इतना ज्यादा विलीन हो जाते हैं पढ़ाई में कि हमारा माइंड एक नॉर्मल थॉट्स को सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाता, नॉर्मल थिंकिंग हमारी कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि एग्जाम से पहले इसलिए बोला जाता है कि एक दिन का ब्रेक लें, ऐसा आपने सुना भी होगा कि एग्जाम से पहले बोला जाता है ब्रेक लें। ब्रेक क्यों लें, क्योंकि जो आपने इतना दिन रात पढ़ाई कर रहे थे ना, आप वहां पे थोड़ा सा फ्री स्पेस दे अपने माइंड को सोचने के लिए। और ऐसा आपने देखा भी होगा, अक्सर एग्जाम में हमारे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं और एग्जाम से बाहर निकल कर एक दिन बाद सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। या हमारा माइंड बहुत अच्छी मीन्स लेवल पे मीन्स कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर पाता है। तो यहाँ पे ब्रेक लेना जरूरी है, नॉट फॉर एवरीवन, बट यदि आपको डर लग रहा है, आप डरे हुए हो थोड़ा सा कहने के एग्जाम को लेकर, तो यहाँ पे आप ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक लेना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, एक शेर होता है, शेर आपने सुना होगा, जो शिकार करता है तो दो कदम पीछे हटता है फिर जंप लगाता है। तो आप शेर हो, ध्यान रखना, आपका एग्जाम आ रहा है पास में, या ब्रेक ले रहे हो ना, तो ब्रेक एग्जाम पे जंप मारने ले रहे हो आप, एग्जाम को बिल्कुल एग्जाम पे सही से क्वेश्चन को मीन्स अटैक करने के लिए आप ब्रेक ले रहे हो। ब्रेक मतलब ऐसा नहीं कि आप पढ़ना नहीं चाहते हो, ब्रेक मीन्स आप अपनी प्लानिंग बना रहे हो, दो कदम पीछे हटके आप अपनी प्लानिंग बना रहे हो कि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पे कैसे अटैक करना है और आपको एग्जाम निकालना है। तो इतना बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, और ना ही मीन्स डर में आप हमेशा ही मीन्स चीजें खराब कर देते हो, या आपने देखा भी हो। तो मीन्स पढ़ाई करो ना करो मैटर नहीं करता, भी आपको अपना डर निकाल लेना है, बस डर आप निकालो। जैसे मैंने आपको बोला ऐसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आपको और बहुत सारे तरीके पता होंगे। ठीक है, डांस कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, वो कर सकते हो, अपने छोटे भाई के साथ फाइट कर सकते हो, आप बहन के साथ फाइट कर सकते हो, थोड़ा बहुत आर्गुमेंट कर लो, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। आपको रिलैक्स रहना है, आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज करना है, जो आपके माइंड में 24 घंटे घुसा हुआ है ना, नेट गेट, वहां से थोड़ा सा फ्री होने की जरूरत है आपको। जैसे आप फ्री हो जाओगे रिलैक्स महसूस करोगे, आप दोस्तों के साथ थोड़ा गप्पे लगाओ, जो दोस्त नेट की गेट की तैयारी नहीं कर रहे, आप बात करो उनसे, उनके लाइफ के बारे में पूछो, थोड़ा गप्पे सप्पे लगाओगे तो शायद आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। ये नोवल टेक्निक है। ठीक है, मैंने तो इम्प्लीमेंट किया लाइफ में। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा है तो आप इम्प्लीमेंट करके देखें और वीडियो के नीचे मुझे कमेंट सेक्शन बताएं। चलो।
टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। डरने की आपको जरूरत नहीं है, आपने पढ़ाई किया है तो आपके सपने पूरे होंगे, ये मेरा विश्वास है।